आज मैं बात करना चाहूँगा लिवर डिजीज़ और प्रेगनेंसी के बारे में। लिवर डिजीज़ और प्रेगनेंसी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ख़ास तौर पे इसको हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स और फैमिली मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं और गायनेकोलॉजिस्ट को के लिए बहुत अहम है। और इन जो ये डॉक्टर हजरात हैं उनको थोड़ा बहुत लिवर डिजीज़ के बारे में इनको आगाही होनी चाहिए। आम तौर पे प्रेगनेंसी में जो लिवर के टेस्ट्स होते हैं वो इतने उनमें चेंजेस नहीं आते एज यूजुअल। थोड़े से कभी कभार एल्ब्यूमिन, बिलरुबिन और जो लिवर एंजाइम्स हैं उसमें थोड़ी बहुत वो फ़र्क आ सकते हैं, लेकिन एज यूजुअल जैसी प्रेगनेंसी से पहले होते हैं उसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होते हैं। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो यूनिक टू प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती हैं, और बाकी जो बीमारियां हैं मसलन हेपेटाइटिस और अदर लिवर डिसऑर्डर्स जो प्रेगनेंसी में यूनिक नहीं है वो तो हो सकती हैं, प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती हैं। उनकी जो यूजुअल वो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस उसी तरह रहती है, लेकिन सम कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी वो नस्बत ज़्यादा होती हैं। मसलन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में यूजुअली मरीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में होती हैं, और ऐसे मरीज़ जो होती हैं उनको उल्टियां होती हैं और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, ये चीज़ें, और साथ साथ लिवर एंजाइम्स में भी फ़र्क आ सकता है। ये कोई इतनी वो सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन इस दौरान मरीज़ों की जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स पे नज़र रखना चाहिए, उनको हाइड्रेट करना चाहिए, और यूजुअली दे रिजॉल्व विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसके बाद जो है एक बीमारी है उसको हम कहते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें मरीज़ को यरकान हो सकता है, उनको शदीद किस्म की ख़ारिश हो सकती हैं, और ये अमूमन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट करती हैं। कभी इसमें ये होता है कि बदन में जो है बाइल साल्ट्स की मकदार ज़्यादा होती हैं, उस वजह से मरीज़ को सख्त किस्म की ख़ारिश हो सकती है, लेकिन यूजुअली इट रिजॉल्व्स आफ्टर द डिलीवरी। ये इस तरह से नहीं है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़, ये बाद में नहीं बन जाती जिसे जिगर सुकड़ जाता है और सिरोसिस हो जाती है। तो यूजुअली इट रिजॉल्व्स विद द आफ्टर डिलीवरी। थर्ड जो है वो है कि अक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी एक यूनिक बीमारी है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, और ये भी बेसिकली इट्स ए जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें भी जो मेटाबॉलिज्म होती हैं वो डिरेंज हो जाती है, और इसके जो खसूसियात हैं वो भी इट कैन प्रेजेंट ये विद जॉन्डिस, यरकान हो सकता है, और इसमें भी खून का पतला हो जाना, ख़ारिश और सूजन ये हो सकती हैं। ये यूजुअली थर्ड और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट करती हैं, लेकिन पहले दो तीन बीमारियों से ये इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें मरीज़ के को लिवर फेलियर हो सकती हैं।